शिमला में साइकिल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, 36 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। एमटीबी द्वारा शिमला में विंटर साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। शिमला में आयोजित इस साइकिल चैलेंज में 4 जिलों के 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बता दें, 37 किलोमीटर लंबी इस रेस में 22 किलोमीटर कम्पिटिटिव ट्रैक शामिल है। एमटीबी शिमला के संयोजक मोहित सूद ने कहा कि एक दिवसीय विंटर चैलेंज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिस्पर्धा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मंच की आवश्यकता है। मोहित सूद ने बताया कि 36 प्रतिभागियों में से केवल एक ही लड़की इस रेस में भाग ले रही है, जो संख्या में काफ़ी कम है। हालांकि इसका कारण इन दिनों स्कूल कॉलेजों में चल रही परीक्षाएं भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से युवाओं को आगे आने की प्रेरणा मिलती है। ये एक दिन का एक दिवसीय रेस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका नाम है शिमला हिल्स विंटर चैलेंज। ये इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो लोकल हमारे हिमाचल का टैलेंट है और माउंटेन बाइकिंग स्पोर्ट एक जिसका बहुत पोटेंशियल है हिमाचल में, उसको इनकरेज करना, उसको आगे लाना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो इसके तहत ये आज 37 किलोमीटर का हम रेस कर रहे हैं, जिसमें से 22 किलोमीटर कम्पिटिटिव है। 36 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 3 ज़िलों से आए हैं, बेसिकली शिमला, चंबा, कांगड़ा और बिल्कुल एक सोलन, 4 ज़िलों से। तो 4 ज़िलों से हमारे पास 36 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से एक गर्ल पार्टिसिपेशन लो है, एक है बच्चे कह रहे हैं कुछ एग्ज़ाम्स है इस करके, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 साल के 2 बच्चे भी आज आए हैं यहाँ पर साइकिलिस्ट, और वो काफ़ी पैशनेट साइकिलिस्ट हैं। तो ऐसे बच्चे जब आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इस स्पोर्ट के लिए, और आने वाले दिनों में एक बहुत हेल्दी, एक वाइब्रेंट माउंटेन स्पोर्ट के लिए कल्चर डेवलप होगा हिमाचल। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।